दुनिया में किसी चीज की गारंटी हो ना हो, लेकिन ये टेक्निक काम करेगी ही करेगी, इस चीज की गारंटी है दोस्तों। अगर आप कोई भी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, आपकी ड्रीम जॉब हो और मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, तो आज मैं इतनी दमदार टेक्निक लेके आया हूँ जो गारंटी आपको वो जॉब मैनिफेस्ट करवा देगी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना समय गवाए। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। यानी कि कलयुग में भक्ति भी खत्म हो जाएगी, कर्म का भी नाश हो जाएगा, किंतु राम नाम ही रहेगा और राम नाम ही आपका बेड़ा पार लगाएगा। अगर थोड़ा पुराण और शास्त्रों में और हम गहराई में जाते हैं तो स्कंद पुराण में क्या कहा है सुनिए। राम नाम जपने पर समस्त पापों का नाश होता है। तो इतनी सारी बातों से एक बात तो क्लियर है कि भैया राम नाम में पावर तो है। ये पावर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए आज के वीडियो में एक पावर पैक रूटीन आपको देने जा रहा हूँ जिसे आपको फॉलो करना है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 45 डेज में आप मैनिफेस्ट कर ही लोगे जो जॉब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप सुबह में कितने बजे भी उठें, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है, ना ही श्री रामचंद्र जी को है, ना ही यूनिवर्स को है। क्यों? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुबह 5-6 बजे नहीं उठ पाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी करंट जॉब में भी परेशान है, कोई अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, नाइट से डे में आना चाहते हैं। इसलिए उठने का कोई बंधन नहीं है, आप कितने बजे भी उठें इट डजंट मैटर। उठने के बाद सबसे पहला काम करेंगे राम बोलेंगे, उसके बाद सारी प्रवृत्ति से निवृत्त होने के बाद, यानी कि फ्रेश होने के बाद, वॉशरूम के बाद, ब्रश के बाद, आपको खाली पेट बैठना है। बैठने के बाद सीधा बैठना है, दोनों पैर मेडिटेशन की पोस्चर में लगा के, हाथ को ध्यान मुद्रा में रख के, आँख बंद करके राम नाम का मेडिटेशन करना है। खुद ही बोलना है ये नाम, राम 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 राम, इस तरह से 10 से 15 मिनट ये मेडिटेशन आप करेंगे। उसके बाद एक डायरी लेंगे आप, जय श्री राम। देखा राम नाम का पावर? तो देखो डायरी में ये पूरे हिस्से में, ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, इस हिस्से में सुबह सुबह सबसे पहले लिख दीजिएगा मेडिटेशन खत्म करने के बाद राम। देखिए मैं गुजराती लैंग्वेज में लिखूंगा, आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगे आप उसमें लिख सकते हैं। राम लिखने के बाद यहाँ पे आप आपका अफर्मेशन लिखेंगे। आपका अफर्मेशन क्या है? मुझे वो नौकरी, जो नौकरी आपकी है, जैसे कि एग्जांपल SBI में मैं नौकरी चाहता हूँ बैंक में, तो मैं यहाँ लिखूँगा मुझे SBI बैंक में नौकरी मिल चुकी है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, मुझे, उसके बाद ये जो मैंने दो यहाँ पे एक गैप सा बनाया है कि SBI बैंक में नौकरी मिल चुकी है, तो मुझे के बाद आपको जहाँ नौकरी चाहिए वो नौकरी लिख देनी है, दैट्स इट। आपने सुबह ये लिख दिया, इसके बाद इस डायरी को बंद कर देना है, अपने पास रखना है। अब रात को सोने से पहले डायरी फिर खुल जाएगी। डायरी खुलने के बाद आपको यहाँ से लेके ये पूरे पेज में, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखो दिख रहा है कैमरा वाले भैया, दिख रहा है क्या? ओके, राम 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 राम, और सो जाएंगे, दैट्स इट। यही तो, जो सुबह में आपने अफर्मेशन लिखा है कि मुझे SBI बैंक में नौकरी मिल चुकी है, यही अफर्मेशन डायरी के हर पन्ने पे आप 45 डेज तक लिखेंगे, और उसके बाद रात को राम 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 से पूरा पन्ना भर देंगे और सो जाएंगे। ये पूरी प्रोसेस है जो 45 डेज तक आपको करनी है, दैट्स इट। और हाँ, जो मेरी बहनें हैं जिनके वो 5 विशिष्ट दिन हैं, वो 5 दिन अवॉइड करें, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन अवॉइड करने के बाद 45 डेज कंप्लीट कर सकते हैं। यही छोटा सा रूटीन है, कोई पहाड़ तोड़ रूटीन नहीं है। बट एक बात बताऊं दोस्तों, ये रूटीन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिया है, कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज आई हैं जिन्होंने मिरेकल मैनिफेस्ट किए हैं। कमेंट में जाके सबसे पहले जय श्री राम लिख दीजिए, अपने प्यार से, अपने विश्वास से कमेंट को भर दीजिए। और स्टिल ऐसी कोई समस्या है, प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है, ये रहे हेल्पलाइन के नंबर, कॉल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, जिंदगी बेहतर नहीं जिंदगी खूबसूरत बनाइए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।